हेलो गाइस इज़ मी श्रद्धा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प समवन विद देयर कमेंट्स तो कमेंट दिशांत सिंह का है कमेंट ऐसा है कि मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाईली सेंसिटिव नेचर व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ ही और शी इज हाईली सेंसिटिव पर्सन एंड थॉट्स कम ऑटोमेटिकली एंड और एनालाइजिंग पर्सनैलिटी थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि थॉट्स आपको ऑटोमेटिकली आ रहे हैं

जिनको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस एक्सट्रीम में फ़ील होती है एंड काफ़ी ज़्यादा सोशल सिचुएशंस में दिक्कतें आ सकती है कि फ़ॉर एग्जांपल आपको एग्रेसिव थॉट्स आते हैं या फिर कंटेमिनेशन रिलेटेड थॉट्स आती हैं या सेक्शुअल थाट्स आती हैं स्टेरिंग ओ है इन सब केसेस में सोशल होना या फिर लोगों के साथ उठना बैठना Uh, एक तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके थॉट्स काफी आपको परेशान कर रहे होते हैं एंड योर थॉट्स आर बेसिकली मेकिंग यू फील गिल्टी एंड मेकिंग यू फील एम्बेरस्ड अबाउट दैम तो डेफिनेटली एंगजाइटी एंड एस्पेश सोशल एंगजाइटी होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है जैसे मैंने एक वीडियो में इस चीज़ को डिस्क्राइब करा है इस चीज़ के बारे में हमने बात करी है ओ सी डी एंड सोशल एंगजाइटी काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है कि अगर आपको ओ सी डी है तो सोशल एंग्जाइटी हो सकती है बिकॉज़ ऑफ नेचर ऑफ ओसिडी की आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो एंड धीरे धीरे करके हमको सोसाइटी या लोगों को फेस करने का एक डर बैठ जाता है मन में तो दिशांत एंड एंड बाकी लोग जो इस चीज से गुजर रहे हो जो सिमिलर प्रॉब्लम्स जैसे दिशांत फेस कर रहे हैं वैसे फेस कर रहे हो उनके लिए आज मैं कुछ क्विक टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए एंड बाकी हम इस चीज़ को फुली एक्सप्लोर करेंगे एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में तो उस वीडियो का ज़रूर वेट करना कि सोशल एंजाइटी या फिर हाईली सेंसिटिव पीपल इमोशंस को क्यों महसूस करते हैं एंड उस चीज़ को कैसे हैंडल करें इस चीज़ की वीडियो ज़रूर आएगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको notification तुरंत जाए। जो सलाह रहेगी रहेगी मेरी टिप रहे वो है है आप ट्रिगर्स को करिए क्योंकि कोई भी चीज़ अगर की तरह आपके सामने आती है, तो रहती है एंजाइटी की बहुत ज्यादा बढ़ जाना तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है बट अगर हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं हमें ऑलरेडी पता है कि कौन से ट्रिगर्स होने वाले हैं कौन से ट्रिगर्स आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उस चीज को लेके ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है अगर फॉर इंस्टेंस आपको किसी के घर जाना है एंड आपको ये चीज़ पता नहीं है कि डॉग से आपको डर लगता है एंड उनके घर में कुत्ता है तो उनके घर में घुसते ही इट विल बी लाइक अ सरप्राइज एंड फ्लडिंग हो जाएगी आपके साथ एंड एंजाइटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी कि 10 में से 10 रहेगी एंग्जाइटी बट अगर हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स तो यू वुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड योर ब्रेन विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड की टू एक्सपेक्ट कि हाँ उनके घर में ना डॉग है तो मे बी आई नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि मैं उनको पहले से बोल के रख दूँ ये चीज़ कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपके डॉग से या फिर स्पेसिफिकली किसी कुत्ते से बट आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स या फिर आप अपने आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हो कि यू हैव टू फेस अ सिचुएशन जैसे हम एग्जाम्स की भी बात कर ले तो सरप्राइज टेस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा घबराहट पैदा कर देती थी है ना कि पता ही नहीं आज टीचर टेस्ट ले रहे हैं बट सेम चीज अगर हमें पता है कि एक महीने बाद टेस्ट आने वाला है तो हम उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं आराम तरीके से सेकेंड है कि आप अपनी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाइए जो इमोशनल सेंसिटिविटी होती है ना वो तभी आती है जब हम बहुत हद तक आयदर चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा सेंटर में हैं प्रॉब्लम के ठीक है एंड हम उस चीज को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं उस चीज को दबाए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को कोशिश करिए कि एक सेफ मीडियम में एक्सप्रेस करें चाहे उसको जर्नल करके एक्सप्रेस करें उसको पेंट करके एक्सप्रेस करें पोइम्स लिख के एक्सप्रेस करें किसी थेरेपिस्ट से बात करें किसी दोस्त से बात करें उस चीज को अपने अंदर से निकालिए एंड अगर एक्सपोजर कम है तो एक्सपोजर को बढ़ाइए जैसे फॉर इंस्टेंट कि अगर आपकी स्पाइस टॉलरेंस की ठीक है आप तीखा कम खाते हो बट आपको तीखा ज़्यादा खाना है ठीक है तो क्या करना है हम धीरे धीरे करके एक दो दिन आप एक चिली खाओगे एक मिर्ची खाओगे तो उस चीज का धीरे धीरे असर करके आपको कम होता जाएगा एंड दो दिन तीन दिन बाद जब असर कम हो जाएगा तो फिर आप दो पे चले जाओ फिर धीरे धीरे करके जब उसका भी असर कम हो जाए तो फिर आप तीन पे चले जाओ चार पे चले जाओ ऐसे करते करते आपकी इमोशनल टॉलरेंस बढ़ती जाएगी एंड आप इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं महसूस करोगे फिर ये कुछ टिप्स थे मेरे तरफ से जो दिशांत या फिर जो लोग इस चीज़ से इमोशनल सेंसिटिविटी एंड सोशल एंगजाइटी फेस करते हैं ये चीज आप इंस्टेंटली ट्राई कर सकते हो एंड डेफिनेटली आई विल मेक अ टोटल कम्पलीट वीडियो ऑन दिस follow and subscribe this channel and hit that notification bell so that आपको पता चले कि कब वो video आगे ठीक है इतना ही बात करते हैं मिलते हैं अगले video में take care.